नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो सुबह के अभी बज रही है 8:30। 8:30 बजे से करी है मैंने व्लॉग की शुरुआत। और आज जो है ना वो मुझे मतलब दो दो खुशखबरी जो है ना वो मिली है। दोनों मैं आपके साथ में ना आगे व्लॉग में शेयर करूँगी। और हाल फिलहाल में तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ घर की क्लीनिंग का काम। आज जो ना क्लीनिंग का काम जो मुझे जल्दी जल्दी से निपटाना है। मतलब बच्चे अभी एग्ज़ाम देने गए ना तो वो 10 बजे आएंगे, उसके पहले मतलब मेरा टारगेट है कि मेरे घर के सारे काम जो है ना वो हो जाने चाहिए सिवाय खाना बनाने के, क्योंकि खाने के अंदर बनाऊंगी आज मैं कुछ स्पेशल। तो चलिए सबसे पहले जो खुशी है वो तो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि आज बच्चों का ना लास्ट पेपर है। तो बच्चे जो है वो मतलब गए थे तो बहुत खुश होके गए थे, क्योंकि ये ना होता है कि बच्चे मतलब लास्ट कितना मतलब मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं मतलब अपनी पढ़ाई में, और मतलब पूरा दिन उनका पढ़ने में ही निकल जाता था। तो अब जब आज लास्ट पेपर है ना तो उनकी जो वो खुशी है ना वो मैं खुद महसूस कर पा रही थी। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज है ना मतलब उनके आने के पहले मैं घर के अपने सारे काम जो है ना वो निपटा देती हूँ। और आज है ना मतलब मेरे हस्बैंड के शॉप की छुट्टी भी है तो आज डबल ट्रीट जो है वो हो जाएगी कि बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो भी लास्ट है और आज इनके भी छुट्टी है। तो फिर सब लोग मिलके हम साथ में ही मज़े करेंगे और सब कुछ आपके साथ में शेयर भी करूँगी। लेकिन हाँ उसके पहले मुझे है ना मतलब जो मेरी जो खुशी होती है ना वो होती है कि मैं अपने घर के काम जो है वो टाइम से कर लूँ, और स्पेशली घर की जो साफ़ सफाई है ना वो अगर अच्छे से हो जाती है ना तो लिटरली मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब पता है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरा मूड बहुत ख़राब है या मुझे बहुत लो फील हो रहा है या फिर मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एकदम उखड़ा उखड़ा सा लगता है, तो उस टाइम पे मैं ना अपने जो घर के काम को बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, स्पेशली घर की साफ़ सफाई, ठीक है ना। ये तो उसके बाद में पता नहीं मुझे खुद को अपने आप घर के अंदर एक मतलब एक पॉजिटिविटी ना आ जाती है, बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो अभी आज मतलब मैंने जब काम करने लगी थी तब तो ये था कि मैं फटाफट फटाफट से निपटा दूंगी, लेकिन फिर जब मैं साफ सफाई करने लगी ना तो उसी बीच में मेरी जो हाउस हेल्पर है ना उसका फोन आ गया। तो अगर आप सबको पता ही होगा, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरे घर पे हाउस हेल्पर है। बीच में ना कमेंट आए थे कि इतना काम खुद से करते हो एक हाउस हेल्पर नहीं रख सकते हो क्या, तो ये कि मैंने वो कमेंट्स के थ्रू उनका आंसर दे दिया था। लेकिन अभी वीडियो में मैं बता देती हूँ कि मेरे घर पे हाउस हेल्पर आती है लेकिन लास्ट वो 2 महीने से छुट्टी पर गई हुई थी, और उस बीच में मैंने बताया 2-3 हाउस हेल्पर से बात भी करी थी, लेकिन यही है कि ना इतने कम टाइम के लिए कोई नहीं आता है और झूठ के बेस पे मैं नहीं रख सकती थी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि महीने भर के लिए चाहिए होती है हाउस हेल्पर और उनको ना मतलब रख लेते हैं काम पर, और मतलब रखने के बाद में जैसे ही उनकी पुरानी हाउस हेल्पर आती है ना तो वो फिर ना उसको छुट्टी दे देते हैं, तो वो वैसा ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ना जितनी भी लेडीज से बात करी थी सबको बोला था कि मुझे ना सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए, तो ये सुनकर मतलब कोई आया ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने भी सोचा कि चलो खुद से काम जो है वो कर लेते, पहले तो करते ही थे, लेकिन अब ये कि 5-6 साल से मैंने हॉस्टल पर रखी हुई है तो ठीक है, चलो आती है तब भी ठीक है, नहीं आती तब भी मैं काम जो है वो कर लेती हूँ। तो दूसरी जो मेरे लिए खुशी थी वो यही थी कि फाइनली मेरी हाउस हेल्पर जो है वो 2 महीने की छुट्टी कंप्लीट करके और अब कल से ना वो आने वाली है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कल से तो वो आ जाएगी तो वो उसके हिसाब से काम करेगी, और उनका हिसाब किताब तो फिर सबको पता ही होता है कि हाउस हेल्पर कैसे काम करती है। तो इसीलिए आज फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना अच्छे से झाड़ू जो है वो निकालूंगी और अच्छे से पोछा भी लगाऊंगी। तो जहाँ मुझे मतलब है ना झाड़ू निकालने में 15 से 20 मिनट लगते हैं ना, आज मुझे करीबन 1.25 घंटा लग गया था, क्योंकि ना सारे फर्नीचर हटा हटा के और ये सोफ़ा जो है ना उसको भी मैंने हटा के मतलब बहुत अच्छे से साफ सफाई करी थी। इवन है ना कुछ चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड करी और कुछ चीज़ें जो थी वो रे भी गई थी, मतलब जो मैंने सोफ़ा हटा के पोछा भी लगाया ना तो वहाँ पर भी मैंने डिटोल और जो फैब्रिक कंडीशनर है वो और लिक्विड वगैरह डाल के 2-2 बार का अच्छे से पोछा लगाया था ताकि एक अच्छी सी खुशबू जो है ना वो रूम के अंदर आए। और डिटोल से क्या होता है कि छोटे छोटे से मतलब जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना वो नहीं आएंगे और मच्छर भी कम होंगे। तो जैसे पता है मैंने सोफ़ा हटाया ना तो नीचे की जो फ्लोर थी ना सोफ़े के नीचे की वो इतनी चिपचिपी सी हो रही थी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से धूप बिल्कुल है ही नहीं, लास्ट कितने दिन से धूप नहीं देखने में आई है, तो उसकी वजह से ना पूरी फ्लोर जो थी ना वो एकदम चिपचिपी सी हो रही थी।
लेकिन चलो दोनों सोफे वगैरह जो थे वो मैंने हटा के और अच्छे से साफ सफाई कर दी थी, और पीछे की जो वॉल थी सोफे के पीछे की, तो वो भी मैंने पूरी मतलब अच्छे से पहले गीला पोछा मारा था, उसके बाद में सूखा कपड़ा भी घुमा दिया था ताकि वो अच्छे से सूख जाए। अब बस ये इतना सा मेरा झाड़ू का काम जो है वो है, और करीबन 1.5 घंटा मुझे ना झाड़ू निकालने में लग गया था। और सबसे ज़्यादा जो कचरा निकला था ना वो बच्चों के रूम से ही निकला था, क्योंकि बच्चे अभी जैसे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं ना, तो उनके मतलब जब वो पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना वो ख़राब करते पढ़ते पढ़ते, मतलब लिखने के लिए ऐसे एज ए रफ पेपर की जैसे, तो बहुत सारे ऐसे मतलब पड़े हुए थे कागज़ ना, तो वो सारे मैंने फेंक दिए, क्योंकि ना उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो जस्ट बच्चों ने प्रैक्टिस के लिए करी थी स्पेशली मैथ्स वगैरह, तो उनके और इसके अलावा उनके जो स्टडी टेबल के यहाँ पर भी मैंने थोड़ी साफ सफाई करी थी, तो वहाँ पर भी ना बहुत सारा कचरा वगैरह निकला था, तो फिर मैंने आज अच्छे से झाड़ू जो है वो निकाल दिया है। अब उसके बाद में मैं लगाऊंगी पोछा, और पोछा भी आज मैं बहुत अच्छे से ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि कल से पता है वो आएगी तो फिर वो उसके हिसाब से ही काम करेगी। तो बकेट में पानी के अंदर मैंने वही थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड क्या सॉरी डिटर्जेंट पाउडर डाला था, थोड़ी सी डिटोल भी डाल दी थी, और फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया था। तो पता है फैब्रिक कंडीशनर जो होता है ना कंफर्ट वाला, मैं छोटा वाला जो होती है ना डिब्बी वही लेके आती हूँ शीशी, और वो मेरे है ना 3 महीने अच्छे से चल जाती है, मतलब थोड़ा कपड़ों में भी डालती होती हूँ कभी कभी, और बाकी पोछा वगैरह लगाती हूँ तो वहाँ पर भी कई बार मतलब जो वॉश बेसिन वगैरह होता है ना तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो एक अच्छी सी खुशबू है ना घर में बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई मुंबई की जो बारिश है वो मतलब ऐसी है कि एक बार अगर चालू होती है ना तो वो बंद नहीं होती है, और उसकी वजह से ना बिल्कुल भी धूप वगैरह आती नहीं है, मतलब जो अंदर फर्श भी गीली रहती है और जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं ना तो वो भी एकदम सूखते नहीं है, तो इसीलिए ना थोड़ी सी साफ सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो करीबन 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत, कमर तोड़ मेहनत के बाद में मेरा जो घर था ना वो इस टाइम पर इतना अच्छे से चमक गया था कि मतलब मैं आपको ना बता नहीं सकती, इतना सुकून मिल रहा था मुझे। ओनली 1 मार्क्स मेरे आधे मार्क्स तेरा आधा मार्क। तो इधर मेरा काम हुआ था और उसके बाद में मैं चली गई थी शॉवर लेने के लिए, और जिन साहब आज लेट उठे थे, छुट्टी वाला दिन होता है ना तो यार कभी कभी मिलता है उनको भी, मतलब पूरे महीने में 2 ही छुट्टी उनको मिलती है, उसमें भी कई बार अगर उनको कुछ काम होता है तो जाना भी पड़ता है, तो आज खैर ऐसा कुछ काम उनका था नहीं तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट उठे थे, मतलब मैंने झाड़ू पोछा किया उसके बाद में उनको उठाया और फिर चाय वगैरह बना के उनको दे दी थी। और यहाँ पर बस ये दोनों बच्चे आ गए हैं, और आते में ही बस आप उनके फेस पे इनकी खुशी देख सकते हैं, और यहाँ पर आज इनके हिंदी का पेपर था, मैं थोड़ा सा वही डिस्कस कर रही थी कि पेपर जो है वो कैसा हुआ है। तो चलिए बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो भी ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर मेरे घर के काम जो थे वो भी हो गए थे, मैं नहा के निकल गई थी और अब मैं आई हूँ किचन में, मैं करूँगी यहाँ पर फटाफट से लंच की तैयारी, और लंच के अंदर आज बनने वाला है बहुत ही स्पेशल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हरी चटनी जो है ग्रीन चटनी वो बना रही हूँ, आज कोई भी रेसिपी मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना बड़ा हो जाता है, और फिर भी यदि आपको कोई रेसिपी चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट करना, तो अगली बार मैं जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। खैर ये आज जो भी चीज़ मैं बनाने वाली हूँ इन सब की रेसिपीज़ जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिली जाएगी। तो यहाँ पर ये ग्रीन चटनी मैंने बनाई है, थोड़ी सी मैंने ना ज़्यादा बना के रखी है ग्रीन चटनी, मतलब अभी हम लोग खाएंगे, और इसके अलावा ना थोड़ी सी मैं फ्रीज के अंदर स्टोर करके रख दूंगी 1-2 दिन के हिसाब से, क्योंकि बच्चों के ना छुट्टी है और सैटरडे संडे इनकी भी छुट्टी रहेगी बच्चों के ना, तो फिर वो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा सा उनको बना के दूंगी, मतलब बच्चों को ना लगना चाहिए, इतने दिन बच्चे अच्छे से हार्डवर्क कर रहे थे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, तो बाद में उनको एक अच्छा सा ना मतलब उनको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए हमको, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ हमने इतने दिन मेहनत करी तो अब हमको एक अच्छा सा हमारा एक अच्छा वेलकम हो रहा है, या फिर मतलब आप जो भी कह दो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा तो बस ग्रीन चटनी मैंने एक्स्ट्रा बना के अंदर रख दी है, और यहाँ पर मैंने बनाई थी इमली और गुड़ की खट्टी मीठी वाली जो चटनी होती है ना वो, और मैं आज बना रही हूँ हमारे राजस्थानी राजस्थान के फेमस मिर्ची वड़े, ठीक है, हमारे उदयपुर में भी मतलब
बहुत फेमस है। बाकी ना जोधपुर और हाँ जोधपुर के जो मिर्ची वड़े ना वो बहुत फेमस है, तो मैं बिल्कुल है ना उसी स्टाइल में ना बनाने वाली हूँ। बनाने मतलब वाली क्यों, यहाँ पर मैंने ना मॉर्निंग में ही थोड़ी बहुत तैयारी जो थी वो कर दी थी, मतलब कच्चे केले का जो मसाला था वो मैंने बना दिया था, चटनियाँ जो है वो मैंने बना के रख दी थी, और जितने भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता है फिर झाड़ू पोछा करने के बाद में मुझे ना इतनी थकान हो जाएगी ना, तो फिर मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। और अभी इस टाइम पे पता है एक चीज़ मतलब पता ये चली थी मुझे कि मतलब इनके मोबाइल पर है ना मैसेज आ गया था, कितने दिन पहले आया था, और इन्होंने मुझे बताया भी था लेकिन है ना मेरे दिमाग से निकल गया था। ये जो गैस की पाइपलाइन हमारे घर पे लगी हुई है ना, तो जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ ना, तो पूरे ही सेक्टर की मतलब सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक गैस की पाइपलाइन जो है वो बंद रहेगी। तो अब मेरे पास में टाइम जो था वो बहुत कम था, मतलब 10:20 हो रहे थे और मतलब 11 बजे तक तो वो बंद हो जाएगी, तो पौन घंटा मेरे पास में था। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से मतलब मैंने कहा बाकी काम सारा रहने देती हूँ, इन्होंने भी बोला बाकी सारा काम रहने दे, पहले ये खाना बनाने वाला काम जो है ना वो कर दे, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बेसन का घोल बना रही हूँ, तो मैंने बेसन लिया है और थोड़ा सा उसमें मैंने चावल का आटा डाला है, तो मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ या फिर कोई भी वड़े वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसका जो घोल होता है उसमें थोड़ा सा चावल का आटा जरूर डालती हूँ, इससे ना वो क्रिस्पी बनते हैं बहुत। और फिर मैंने थोड़ा सा नमक हल्दी और अजवाइन डाला था ढेर सारा, तो यहाँ पर ये घोल जो था वो बनकर रेडी हो गया था। और यहाँ पर ये मिर्ची की जो फिलिंग थी उसको भरने का काम जैन साहब ने किया था, मतलब मैंने उनको ना चाय बना के दे दी थी और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मैं उनको ना ये काम बोल के गई थी। तो जो कोई ये बोलते हैं ना कि आपके हस्बैंड आपके काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दिखते नहीं है कभी भी, तो ऐसा है कि देखो सारे लोग जो होते हैं ना वो मतलब कैमरे के सामने कंफर्टेबल फील करें ऐसा जरूरी नहीं है, उनको बिल्कुल भी कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं तो वो मेरे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर हमारी अच्छी बॉन्डिंग नहीं, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, और वो ना वैसे उनको टाइम मिलता नहीं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो वो मेरे हर एक काम में मेरी हेल्प कराते हैं, मतलब चाहे कोई भी काम हो, मतलब कोई शर्म नहीं है कि ये काम मुझे नहीं करना, वो सारे ही काम में हेल्प कराते हैं। तो सुबह सुबह मैंने उनको बोला कि लेट हो रहा है, तो उन्होंने बस मतलब जो मिर्ची थी ना उसमें कट लगा के उसके सारे बीज निकालना, फिर उसके अंदर फिलिंग्स भरना, और फिर बाकी का जो मसाला था कच्चे केले का ना उसके उन्होंने बॉल्स बना के, मतलब ये बहुत बड़ा काम था, इसमें भी करीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट लग गए थे, तो ये काम उन्होंने मुझे करके दे दिया था। तो फिर बस फटाफट से मैंने यहाँ पर मिर्ची वड़े जो है वो फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास में ना कमेंट आया था, और खैर मैंने उनका आंसर जो था वो कमेंट में दे दिया था, और उसके बाद में मैंने कमेंट जो था वो डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि पता होता क्या हम यूट्यूबर्स के साथ में कि यदि हम कोई वीडियो डालते हैं ना तो उसमें यदि कोई एकाध भी नेगेटिव कमेंट होता है ना, तो कुछ लेडीज ऐसी होती है ना कि उस नेगेटिव कमेंट्स के ना पीछे पड़ जाती है, और वो भी उसी तरीके की कमेंट्स है ना वो करती है, चाहे वो वीडियो देखे या ना देखे, बस उस कमेंट को देख के और उसके साथ साथ में ना लाइन में भेड़ चाल में लग जाते हैं। तो ये सब मेरे साथ में ना काफ़ी टाइम पहले एक आध वीडियो में हो गया था, तो इसीलिए मैं ना अब कोई भी मतलब कोई नेगेटिव कमेंट होता है ना तो उसको मैं पढ़ के और डिलीट कर देती हूँ। तो कमेंट मतलब यही था कि आपके हस्बैंड जो है वो मतलब कभी भी आपके वीडियोज़ में आते नहीं है, कभी आपकी हेल्प नहीं कराते, अकेले अकेले सब काम करते रहते हो, तो उसी लिए आज मैंने एक छोटी सी क्लिप जो थी ना वो उनकी परमिशन लेके ही मैंने एक क्लिप जो थी वो ऐड करी थी कि भाई ऐसा नहीं है, हर चीज़ जो कैमरे में आपको दिखती है वो सब मतलब वैसा का वैसा वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरा काम है तो मतलब मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ तो मुझे तो सामने आना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको घेर के चलूँ, मतलब सबके ऊपर प्रेशर डालूँ कि सबको आना ही पड़ेगा, उनकी मर्जी है तो आएंगे, नहीं मर्जी तो नहीं भी आएंगे। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे किसी भी काम में हेल्प नहीं करते हैं, तो आप यार बिना सोचे समझे ना जज मत किया करो, कई बार है ना बहुत दुख मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरीके के कॉमेंट्स है ना वो आते हैं ना, तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छा दिन है, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो पूरी फैमिली एक साथ में बैठ के यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं मिर्ची वड़े, और साथ में मैंने केले वड़े भी बनाए थे, हरी मिर्ची जो थी वो भी फ्राई करी थी, और लेकिन हरी मिर्ची को किसी ने नहीं खाया, क्योंकि जो मिर्ची के जो मैंने पकौड़े बनाए थे ना मिर्ची वड़े वो थोड़े से स्पाइसी थे, तो वो मिर्ची जो थी वो एज इट इज़ पड़ी रह गई थी। तो बस बड़े काफ़ी टाइम बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग साथ में बैठ के कुछ खा रहे हैं, क्योंकि ना होता ऐसा है कि आज बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं ना इसलिए बच्चे इस टाइम पे घर पे हैं, बाकी जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना फ्राइडे के दिन, तो उस दिन बच्चे स्कूल होते हैं, फिर आने के बाद में वही उनके काम में ट्यूशन जाना है, इनमें लग जाते हैं ना, मौका नहीं मिल पाता है कि हम सब लोग साथ में बैठ के खाएं।
तो आज सबने बहुत टाइम बाद में ना साथ में बैठ के लंच किया। और यहाँ पर बस लंच करने के बाद में मैं जैसे ही किचन में आई, 11:30 का कुछ टाइम हो रहा था, और पाइप मतलब जो गैस मैंने ऑन करके देखा तो बंद हो गया था। तो कोई बात नहीं, इस टाइम पे खाने पीने का काम कंप्लीट हो गया था। बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, थोड़े से बर्तन है वो फिर मैं बाद में करूँगी। और इस टाइम पे मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह उठी थी मैं 5:15 की, और अभी 11:30 का कुछ टाइम हो रहा था, 11:30 पौने 12 का। तो इस टाइम पे मुझे बहुत थकान हो रही थी। तो फिर इन्होंने भी बोला आराम से कुछ देर बैठ जा और फिर बाद में आराम से काम करना। तो ठीक है, चलो मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी और इसी के साथ में इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना, पढ़ना, मतलब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना ना बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे दिन की जितनी थकान होती है ना वो दूर हो जाती है आप लोगों के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स पढ़ के। और उसके बाद में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हुए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।